हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ शिवानी दीदी के यहाँ एंड मैं जा रही हूँ सोलो ट्रैवल करके। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई लेट यू नो मेरा ट्रैवल कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड बट मेरे साथ आप लोग तो होंगे ही इस जर्नी में, सो आई टेक यू ऑल अलॉन्ग विद मी। यहाँ पे मम्मा मुझे स्टेशन पे ड्रॉप करने आई थी। गाइस गाइस, इस पार्ट की वॉइस ना क्रैक हो गई थी, तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रैंट कर रही थी कि एसी बहुत तेज़ चल रहा है, जिस वजह से मैंने अपने कान ढक रखे बालों से। एंड प्लस यहाँ पर जो विंडो सीट थी मेरी, वहाँ पे विंडो ही नहीं थी। सो इट वॉज सो अनोइंग टू मी डैट मैंने विंडो सीट बुक करी थी और वहाँ पे एकदम विंडो ही नहीं थी। That's why I was renting so much. And ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। And here I am showing my rings. That's it. Hello guys. अब मैं आ गई शिवानी दीदी के घर और यहाँ पे है यूवी। मजा आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो मैं उठी हूँ शिवानी दीदी घर और यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए। एंड दीदी बना रही है सूजी का हलवा। क्या बना रही है? और यू भी बाहर बारिश में डांस कर रहे हैं। ये बन रहा है सूजी का हलवा। मैं शिवानी दीदी और मैं थोड़ी देर में आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। हम दोनों नहा के गुड गर्ल बन गए। इस लड़के ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता। आपको कुछ करवा रहा हूँ मैं, खुद कर लो। देखा, कुछ ना कुछ करता रहेगा पूरा टाइम। खुद बना रहा हूं ये, नहीं थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं, पूरा टाइम कुछ ना कुछ करना है। और ये देखो, पिछली बार आई थी तो कितना क्यूट सा लग रहा था और इसकी अब आँख ही फोड़ डाली है इसने, आधा मुंह फोड़ डाला है इसका। तो गाइस यहाँ पे यू भी बना रहे हैं मैंगो शेक। टेस्टी बनेगा? मैं खा पाऊंगी? खाते नहीं है, पीते हैं। टेस्ट ले रही थी मैं तुम्हारा। गाइस यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा। और अब हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अमरोहा और ये एकदम सडन ट्रिप बन गई हमारी। जी गाड़ी चला रहे हैं, मैं आगे बैठी हूँ। गाइस हम लोग गाड़ी मोड़ रहे हैं क्योंकि प्लान में सडन चेंज आ गया है। अब हम लोग अमरोहा नहीं सीधा पूर्णागिरी जा रहे हैं। अमरोहा से पूरे नेपाल। अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं आपको अपडेट करती हूं। नेपाल जा रहे हैं सीधा, नेपाल रुकते रुकते नेपाल। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं क्योंकि ये भैया हमेशा सोते ही रहते हैं, हम सोते ही छोड़ गए थे। अब हम इन्हें उठाने आए हैं, ये उठेंगे तब हम लोग फिर चलेंगे वापस क्योंकि ये यहीं पे छूट गए थे सोते सोते। तो अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। ओफो, फाइनली निकल गए। जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट उनकी बातें हमारी समझ से परे हैं क्योंकि वो रास्ते में भी काम की बातें करते हुए आते हैं जाते हैं। ही इज वेरी वर्कहोलिक, तभी हमारी ट्रिप स्पॉन्सर कर पा रहे हैं। सब ड्रगहोलिक होते हैं, वर्कहोलिक अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक हो जाए? नहीं नहीं, फिर ट्रिप नहीं स्पॉन्सर कर पाएंगे आप। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम।
के पास आ गए हैं। नानी आशीर्वाद दो मुझे, आशीर्वाद दो। कहो खूब खुश रहो। एक बार शिवानी दीदी को शट अप बोलो, बोलो रानी, अभी तो बोला था। अच्छा इंग्लिश में आशीर्वाद दो, बोलो ब्लेस यू, बोलो बोलो ब्लेस यू, यस ब्लेस यू, इसका मतलब है खुश रहो। सो गाइस भाभी और मामी यहाँ मेरे लिए क्या बना रही हैं, भाभी बताएंगी। आलू फ्राई पूड़ी, और यहाँ से हम पूड़ी और आलू खा के फिर निकलेंगे अपनी ट्रिप के लिए। भाभी आप क्यों नहीं चल रही हो, अंदर भी यही लड़ाई चल रही है। तो अब हम आ गए हैं IFTM यूनिवर्सिटी मामी की। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं IFTM से वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और एक कैंडिडेट बढ़ गया है क्योंकि अब हमारे साथ है भाभी। नहीं रहती हूँ यार, कृष्णा दीदी मेरी आंखें फोड़ने के लिए तैयार रहती है, कहती है मेरी आंखें छोटी हैं आपकी बड़ी है तो मैं फोड़ दूँ। हेलो गाइस फाइनली इतने रोने धोने के बाद हम लोग आ गए हैं पहाड़ों में। यहाँ से होगा ना लेफ्ट को तो चाहिए रहा है रास्ता, वैसे बच जाती है सड़क कभी। पीछे पीछे बोले 6 किलोमीटर है कैंची डाउन, जबरदस्ती 6 किलोमीटर है। तो गाइस ये रहा मंदिर। गाइस भाभी ने मुझे पैसे दिए, अब ये मैं हमेशा संभाल के रखूंगी, ये भाभी का आशीर्वाद है ना भाभी। दर्शन कराए मजा आया दीदी, उन्होंने मेरा जोड़ो फाड़ दिया, नहीं दोबारा बताया। गाइस मैं यहाँ थार के ऊपर बैठ के फोटो शूट करा रही हूँ पहाड़ों में, ये देखिए गाइस क्या मस्त मौसम हो रहा है, एकदम मजा ही आ गई। हेलो गाइस तो हम लोग फाइनली कैची धाम आ गए हैं, पीछे मंदिर है। आखिरकार फाइनली मैं कैची धाम लेके आ गई हूँ कृष्णा को, जो बहुत मोह बनाया है इसने, लेकिन मैं फिर भी लेके आई, वो तो मेरी स्पेशलिटी है। और जो हर टाइम टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है, बट कुछ लोगों को तो करना ही पड़ेगा है ना भाभी। अच्छा धूप का मौसम हो गया है, चलो
ये भैया पूरा टाइम ड्राइव करके आए हैं, इसीलिए इतना मुंह बना हुआ है। हेलो, तो मेरी वजह से सब ना भी लिए वरना सब सैनिटरी बैठे होते अभी। बस ये नहीं नहाया अभी तक। मैगी खाने पहाड़ों पे मैगी का स्टॉप ले रहे हैं, मजा आ रही थी मैगी खाते हैं। ओके डाल के दिखाओ पहले। फेंक दूँ? ना फोन दो, फेंक देता हूँ। अच्छी हवा चल रही है। पापा जाते हैं, मामा जाते हैं। हमारे। हेलो गाइस, हम लोग आए खाना खाने। हेलो गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और हम लोग आ गए हैं फिर से नैनीताल शहर करने एक बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। सो गाइस, मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग करी रिक्शा और देव के लिए, कुछ गिफ्ट्स लिए और आज मैं फिर से आ गई हूँ शॉपिंग करने। अब देखते हैं मुझे आज क्या पसंद आता है। अपने लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट हाँ फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट देखने हैं। तो देखते हैं, मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। इतना प्यारा व्यू हो रहा है, ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस। लखनऊ की गली से सीधा नैनीताल की सर, मेरे लिए जामुन तोड़ने आए। जामुन का पेड़ ये भी तोड़ बनने वाली है ये ना। Guys, just see this view. So beautiful. तो हम लोग आ गए हैं एफ टी एम यूनिवर्सिटी पे। अब
और कल मैं जा रही हूँ वापस लखनऊ, तो आज मैं जा रही हूँ घूमने पार्क। हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, और ये यहीं कॉलेज का मंदिर है, और अभी मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये रहा कॉलेज का मंदिर। बारिश हो रही है, शिवानी दीदी और भाभी भी हैं मेरे साथ, क्योंकि ये लोग मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि मुझसे तब प्यार झगड़ते हैं। अब हम लोग डिनर के बाद वॉक करने निकले हैं, और अब हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, टहलते टहलते।